गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम निधि, वेलकम टू माय चैनल बायो गुरु एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे बायो मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं जैविक अणु। जीवों के लिए आवश्यक तत्व, जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोशिकाओं में मुक्त रूप से नहीं मिलते, बल्कि ये यौगिकों व आयन्स के रूप में मिलते हैं। यानी फ्री आयन्स नहीं मिलेंगे, ये कंपाउंड्स के रूप में मिलेंगे। प्रत्येक यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं का बना होता है, जो विशिष्ट रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। जल का अणु भी एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि उसमें एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना है। अतः अणु यौगिक की सूक्ष्मतम इकाई है, जिसमें यौगिक के सभी गुण होते हैं। तो जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को हम ऑर्गेनिज्म, टिश्यू, में मिलने वाले सभी कार्बनिक पदार्थ बायो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। सो बायोलॉजी में डेफिनेशंस थोड़ी बड़ी होती हैं, लेंथी होती हैं, जिन्हें बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, इसीलिए उन्हें मैं अपने लेक्चर में आपसे साझा करूंगी या बोलूंगी। आपको वही सुनकर समझकर अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। तो ऑर्गेनिज्म टिश्यू में मिलने वाले सभी कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाएंगे? बायो मॉलिक्यूल। जीवों में बायो मॉलिक्यूल्स यानी केमिकल कंपोजिशन जो होती हैं का कुछ इस प्रकार होता है कि सभी जीव एक प्रकार के तत्व एवं यौगिक से बने होते हैं, साथ ही वे सभी तत्वों को पृथ्वी के पर्यावरण में प्राप्त करते हैं। सभी कोशिकाओं में भी ये घटक के रूप में मिलेंगे। निर्जीव घटक भी हो सकते हैं या सजीव घटक भी हो सकते हैं। जैविक अणु दो प्रकार के होते हैं। इनऑर्गेनिक सेकंड है, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में इस प्रकार के यौगिकों में कार्बन नहीं होगा, कार्बन एब्सेंट होगा। ये बहुत सरल होंगे, छोटे अणु होंगे, आणविक भार इनका बहुत कम होगा। इसमें जल, खनिज लवण, आयन व गैस सम्मिलित हैं। 80% जल की मात्रा, 1 से 3% एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब हम बात अगर करें ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक नाम में ही है कि इसमें कार्बन प्रेजेंट होगा। इनमें कार्बन के अणु भी एक सीधी श्रृंखला में होंगे। फिर ये रिंग भी बना सकते हैं, कभी कभी ये चेन भी बना सकते हैं, हेक्सागोनल, पेंटागोनल जैसे भी कार्बन। ये आपके सामने सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, उसके साथ में हम डेफिनेशन भी बोल रहे हैं। तो इस तरह से जो
बायोमोलिक्यूल में कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, उनका ढांचा सरल भी हो सकता है, जटिल भी हो सकता है, रिंग में भी हो सकता है। इसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन अणु बॉन्डेड होते हैं। कार्बनिक अणु का आणविक भार 1000 से 10000 डाल्टन हो सकता है या इससे भी अधिक हो सकता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन्स, लिपिड एटसेट्रा। अब हम फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी बायोमोलिक्यूल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसको कहते हैं हम। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन शर्कराएं, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, स्टार्च, स्टार्च, सेल्यूलोज आदि सभी कार्बोहाइड्रेट्स के यौगिक हैं। ये सभी जीवों द्वारा ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इनमें से शर्कराएं जितनी हैं वो लघु अणु हैं तथा मंड व स्टार्च या सेलुलोज एक ये जटिल अणु है और बड़े हैं। अब सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हेडिंग वाइज डिस्कस करेंगे। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्लोरोफिल युक्त बैक्टीरिया, शैवाल यानी एल्गी, प्लांट्स ये सभी फोटोसिंथेसिस करके भोजन का निर्माण करते हैं। पर्यावरण में लगभग 10 करोड़ मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करते हैं तथा इनका पौधों में शुष्क भार 80% होता है। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट का कुल प्रतिशत 80% होता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है, इसीलिए इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं। पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन, इनका सामान्य सूत्र याद रखिएगा CnH2O(n) होता है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट है मोनोसैकेराइड।
मोनोसैकेराइड इसकी सिंगल यूनिट है। कार्बोहाइड्रेट्स की सिंगल यूनिट मोनोसैकेराइड या सैकेराइड, क्योंकि आगे मोनो लगा इसलिए सिंगल अणु होगा। सेकंड है आपका ऑलिगोसैकेराइड। थर्ड है आपका पॉलीसैकेराइड। जिसमें से मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड सामान्यतः जल में घुल जाती हैं और ये लघुअणु हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड जल में पूरी तरह से घुलता नहीं है और ये एक जटिल और बड़ा अणु है। मोनोसैकेराइड को सबसे सरल शर्करा भी कहते हैं। इनका और अधिक छोटी इकाइयों में जल अपघटन नहीं हो सकता क्योंकि ये सबसे छोटा अणु है। इसका सूत्र CnH2nOn है। मोनोसैकेराइड अणु में कार्बन अणु अशाखित लगे होते हैं। श्रृंखला होती है, कार्बोनल समूह पाया जाता है। ये जब हम इसकी चेन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये इसमें है एल्डिहाइड ग्रुप 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। इस समूह को आपको याद रखना है, ये जो समूह लगा है वो एल्डिहाइड है। CHO इसका ग्रुप होता है, CHO। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर आपको देखना है, ये है इसका कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का जो होता है सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से ये ट्राइओस, टेट्राओस, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज आदि में मिलते हैं। ट्राइओज में होगा कार्बन 3 हो सकते हैं, टेट्राओज में कार्बन 4 हो सकता है, जैसे C3 H6O3 जैसे आपके सामने बना हुआ है। कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3। ट्राइओज यानी कार्बन 3, टेट्रोज में C4H8O4। इसी तरह से पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज में बढ़ते चले जाएंगे अणु, कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती चली जाएगी। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, C6H12O6। इसका भी यही फॉर्मूला होता है। गैलेक्टोज,
जो ग्लूकोज होता है वो अंगूर की शर्करा, फलों में, शहद में फ्रक्टोज मिलता है, हमारे रुधिर में ग्लूकोज पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो ऑक्सीकृत होकर एटीपी और ऊर्जा देता है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं, या कीटोन शर्करा है जिसमें कीटोन ग्रुप है, फलों के रस में अधिकतर मिलती है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा भी यही है, किंतु यह उतनी ही सरलता से ऊतकीय कोशिकाओं द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा सकती। यकृत में इसको ग्लूकोज के रूप में बदला जा सकता है। जो आपकी गैलेक्टोज है, यह दुग्ध शर्करा या लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ मिलती है। पाचन के समय ये लैक्टोज के प्रत्येक अणु में ग्लूकोज के अणु में टूट जाती है और फिर लीवर के रूप में लीवर में संचित हो जाती है। मोनोसैकेराइड का अगर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखें तो ऊर्जा का सोर्स बहुत ज़्यादा है इसमें। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का संश्लेषण कर सकते हैं। बड़े कंपोनेंट्स जैसे राइबोस शर्करा, डीएनए, आरएनए, एटीपी का घटक भी यही बनाते हैं। जितनी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जैसे हेक्सो शर्करा, ऑलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स आदि के लिए भी ये, मंड सेलुलोज, ग्लाइकोजन के लिए भी यही इम्पोर्टेंट है, और अन्य यौगिकों के निर्माण में भी ये सहायक हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑलिगोसैकेराइड। सामान्यतः पेंटोज मोनोसैकेराइड, हेक्सोज मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की एक सिंगल यूनिट है। इनमें रेखीय श्रृंखलाओं के जुड़ने से बहुलकीकरण से कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणु बन जाते हैं। अर्थात मोनोसैकेराइड के जो अणु हैं वो जब 1 से 10 तक जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनाएंगे? ऑलिगोसैकेराइड। इनकी इकाइयों में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बनता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आइए जानते हैं कैसे। ध्यान रखिएगा ऑलिगोसैकेराइड में 0 यानी 1 से 10 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। किसके? मोनोसैकेराइड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सिंगल यूनिट है वो सैकेराइड है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हेक्सो शर्करा है अर्थात ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का ही फार्मूला होता है C6H12O6। 6 कार्बन है, सब बॉन्डिंग होगी। यदि ये फ्रक्टोज शर्करा यानी दूसरी ग्लूकोज शर्करा से ऐड हो जाएं, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है आपको दिख रहा होगा, ये इसको कहते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरह से ऑलिगोसैकेराइड में इस तरह से ग्लूकोज के कई सारे अणु जब जुड़ जाएंगे तो वो बन जाएगा ऑलिगोसैकेराइड। बस लिमिट इनकी है 1 to 10। अगर इसको छोटी सी चेन के रूप में हम देखते हैं तो इस तरह से दिखेगा हेक्सोज शर्करा, ऐसे करते हुए चेन बनाती चली जाएंगी। ये सब शुगर हैं, ग्लूकोज यानी मोनोसैकेराइड, और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। क्लियर है आपको? ऑलिगोसैकेराइड में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है डाइसैकेराइड बताइए। डाई का अर्थ है दो अणु, जैसे मान लीजिए C6H12O6 है आपके पास और इनके दो अणु हो जाएं, तो क्या हो जाएंगे? C12H कितना हो जाएगा?
12। जब दो मोनोसेकेराइड अणु आपस में जुड़ते हैं उनका जलीय अपघटन हो जाएगा। जब जलीय अपघटन हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला सिर्फ रह जाएगा ये, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। दो हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन 22 रह जाएगा और ऑक्सीजन सिर्फ 11 रह जाएगा। तो दो जब सैकेराइड आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं C12H22O11 अर्थात डाइसैकेराइड, जो जल में विलेय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, सैक्रोज, माल्ट शर्करा, लैक्टोज जो दूध की शर्करा होती है, वो सब किस में आएगी? डाई सैकेराइड में, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। क्यों? क्योंकि इसका जलीय अपघटन हो रहा है। जलीय अपघटन से इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु निकल जाते हैं और जल का अणु एक बाहर हो जाता है। अब हम बात करेंगे थर्ड कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड्स जिसमें बहुत से अणु पाए जाएंगे, यानी 10 से ज़्यादा। जब मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक अणु पाए जाएं तो ये क्या बन जाएगा? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकन्स भी कहते हैं। बहुत ध्यान से सुन के आप नोट्स बनाएंगे। ग्लाइकन्स भी कहते हैं। ये मोनोसैकेराइड के बहुलक हैं। 10 से लेकर कई हजार मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से द्वारा जुड़कर पॉलीसैकेराइड अणुओं का निर्माण करते हैं, जिसमें डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी गैलेक्टोज, डी मैनोज आदि अणु निर्माण भाग लेते हैं। इनकी श्रृंखला शाखित होती है या अशाखित हो सकती है, सूत्र की तरह हो सकती है। ये जल में अविलेय होते हैं, नहीं घुलेंगे नहीं। ये कोलाइडी घोल बना लेते हैं, जैसे पानी में इनको घोलेंगे हम, जैसे स्टार्च को पानी में घोलेंगे तो कोलाइडी विलयन बना लेंगे, घुलेंगे नहीं। स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। इनका अणु भार बहुत अधिक होता है। ये जल अपघटन द्वारा मोनोसैकेराइड अणु में टूट जाते हैं। कणों के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, संचायक पॉलीसैकेराइड कॉमा संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड। संचायक पॉलीसैकेराइड का मीनिंग है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। संचायक पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज अणुओं के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अणु जुड़कर आरक्षित ऊर्जा का सोर्स कहलाते हैं, बनाते हैं, जैसे स्टार्च, जैसे ग्लाइकोजन, जैसे डेक्सट्रॉन। ये सब स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में भाग लेते हैं, जैसे नीले हरे शैवाल, जीवाणु, पौधे आदि में ये पाए जाते हैं। स्टोरेज की जो चेन होगी उसमें भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बहुत सारी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती चली जाएंगी। इस तरह से यह आपका ग्लूकोज यानी मॉलिक्यूल है, शुगर है, या ग्लूकोज कह सकते हैं। ये जो आपको ये दिख रहे हैं डॉट, ये ग्लाइकोसिडिक बंद हैं, दो कार्बन के मध्य में बन रहे हैं। इस तरह से लंबी लंबी चेन और साखित चेन या साखित चेन बनाते चले जाते हैं। अभी अगर इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेरे बोर्ड पर ये आ भी नहीं पाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? ये देखिए, इस तरह से ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड के अणु हैं, जिसके एग्जांपल मंड, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रॉन,
ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, जो ह्यूमंस में या एनिमल्स में पेशियों में पाई जाती है। जो आपका स्टार्च है वो मोस्टली चावल में, आलू में पाया जाता है, जो आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। ध्यान रखिएगा, आयोडीन के साथ ब्लू कलर देगा, ब्लू या पर्पल देता है। दूसरी जो आपका पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर है, पहला था आपका संचायक, दूसरा था संरचनात्मक। संचायक का मीनिंग होता है स्टोरेज, और दूसरा है हमारे पास संरचनात्मक अर्थात स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड भी डी ग्लूकोज अणुओं के बहुलकीकरण से बने होमोपॉलीपेप्टाइड हैं, यह होमो पॉलीसेकेराइड, इसको होमो पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। जो कुंडलित ना होकर दृढ़ सूत्रों के रूप में होते हैं, ये पौधों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल में पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा, ध्यान रखिएगा जो मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ आपको नोट करने हैं, सेल वॉल में आर्थ्रोपोडा जंतु के बाहरी कंकाल में यानी एक्स जो बाहर है एक्स स्केलेटन, सेल्युलोज इसका एग्जांपल है, काइटिन, सेल्युलोज आप सभी को पता है कि जितनी भी सेल्स हैं प्लांट सेल्स और सेल्स उनका जो सेल वॉल है वो सेल्युलोज का ही बना होता है। काइटिन बहुत से जंतुओं के बाह्य कंकाल में पाया जाता है। ये आपके हैं स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड। जो चेन होगी वो शाखित होने के साथ कुंडलित भी होती चली जाएगी, जिसमें 10 से अधिक कितने भी अण हो सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते, इतने ज्यादा। अब इनके अणु कुंडलित होते चले जाते हैं इस तरह से। अब यहाँ यहाँ पे छोटे छोटे से सुगर यानी मोनोसैकेराइड ग्लूकोज के अणु लगे हुए हैं, इनसे और भी शाखाएं निकलती चली जाती हैं। अगर हम इनकी बात करें ना जाने कितने बड़े अणु हैं ये, और ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ते चले जा रहे हैं, इसमें भी शाखाओं में शाखाएं निकलती हैं। ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा इसे समझाने के लिए। पॉलीसेकेराइड के सेकंड स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड को, इसके एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, सेलुलोज एंड काइटिन। सेलुलोज पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये क्वेश्चन भी आता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सेलुलोज। यह पौधों का प्रमुख भाग है, क्यों? क्योंकि यह सेल वॉल में ही है। लकड़ी में 50%, कॉटन में जो भी हम ब्रेसे पहन रहे हैं 90%, जो भी कपड़े पहनते हैं जितने भी कॉटन के उनमें 90% सेलुलोज की मात्रा होती है। काइटिन क्या है? संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड जो कीट में, आर्थ्रोपोडा जंतुओं के बाह्य कंकाल में, कवक की कोशिका भित्ति में भी ये पाए जाते हैं। इनके एकलक अणु डी ग्लूकोज हैं। काइटिन के अणु भी हाइड्रोजन बंधों द्वारा सूक्ष्म तंतुओं के द्वारा जुड़े होते हैं। कितने ज़्यादा विस्तृत रूप में ये अणु होते हैं
यहाँ पे सिंगल लोन है, याद रखिएगा C6H12O6 ही जुड़ता है, क्योंकि यही सैकेराइड है, यही मोनोसैकेराइड है, यही कार्बोहाइड्रेट की यूनिट भी है, सिंगल यूनिट। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन है वो हमें ऊर्जा प्रदान करना है, पौधों को एनर्जी प्रदान करना है। बस ये है कि मोनोसैकेराइड रहते हैं, ऑलिगोसैकेराइड वो मीठे हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड मीठे नहीं होते बट एनर्जी बहुत होती है। ये बड़े अणु होते हैं, वो थोड़े छोटे अणु होते हैं। सबका सूत्र, सबका परसेंटेज, सब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सबके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सुनकर समझकर थ्योरी में आपको लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन एंड लिपिड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।